नवादा हाई कोर्ट ने रद्द किया है प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम। पूर्व सैनिकों को 5% आरक्षण ना देने पर हुआ रद्द परिणाम। ये कोर्ट ने पूर्व सैनिकों को 5% आरक्षण का लाभ देने का दिया आदेश। यहाँ पर 5% आरक्षण का लाभ देते हुए नए सिरे से परिणाम जारी के आदेश बताए गए हैं। अब एक माह में मेंस परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी करके निर्देश यहाँ पर दिए गए। इसी के साथ यहाँ पर कोर्ट ने पूर्व सैनिकों को 5% आरक्षण का लाभ देते हुए कहा है कि परिणाम नए सिरे से जारी किए जाए। एक माह में मेंस परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी करके यहाँ पर यूपीपीएससी 2021 भर्ती की प्रक्रिया का परिणाम रद्द करके इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसमें 5% आरक्षण ना देने का जिक्र करते हुए इसे रद्द किया और इसके बाद कहा कि नए सिरे से जो परिणाम है वो सामने रखे जाए। एक माह में मेंस परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी करके निर्देश। भर्ती के प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रद्द हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या प्रारंभिक परिणाम रद्द। पूर्व सैनिकों को 5% आरक्षण देने का जिक्र किया है। 5% आरक्षण के साथ यहां पर नए परिणाम जो हैं वो फिर से एक बार सामने रखे जाए, इसीलिए जो पुराने परिणाम उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। पूर्व सैनिकों को 5% आरक्षण देने का जिक्र किया है और ये कहा है कि दोबारा नए सिरे से परिणामों को सामने रखा जाए। इन 5% आरक्षण की बातों को ध्यान में रखते हुए इसी के साथ अब नए सिरे से जो परिणाम है वो सामने आएंगे। पूर्व सैनिकों को 5% आरक्षण देने के बाद नए सिरे से चीजों को सामने रखा जाएगा और एक माह में मेंस परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी करके निर्देश। यूपीपीसीएस 2021 की भर्ती प्रक्रिया की प्रारंभिक परिणाम रद्द। और धीरेन्द्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। धीरेन्द्र, ये 5% जो आरक्षण का जिक्र इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया है, इसको लेकर कब तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा, फिर से नए सिरे से परिणाम जो है वो सामने आएंगे? देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीसीएस 2021 परीक्षा परिणाम का उस सीमा तक रद्द कर दिया है जहां तक पूर्व सैनिकों को 5% आरक्षण का लाभ दिया जा सके। कोर्ट ने लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश को निर्देश दिया है कि पूर्व सैनिकों को 5% का आरक्षण का लाभ देते हुए नए सिरे से परिणाम जारी करे और परिणाम जारी करने के एक माह के भीतर उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी करे। यह आदेश संगीता चंद्रा और सतीश चंद्र शुक्ल के जो याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आपका। और दिल्ली से अगली बड़ी खबर है जहां पर बीजेपी के सांसदों की तिरंगा यात्रा